Salli ala nabiyyina Salli ala muhammadin Salli ala shafiyyina Salli ala muhammadin और जिन्नो बशर का विरद है, अहले नजर का विरद है। और जिन्नो बशर का विरद है, अहले नजर का विरद है। जिसका वजीफा हो गया सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे इस्लामी भैन भ्राओ, अज तुहानू ऐसा प्यारा पावर आला वजीफा दसन लगा, जिन्हें भी अपने पीर नाल मुलाकात करनी होवे, अपने पीर नाल करनी होवे या किसी होर दे पीर नाल दुनिया तो पर्दा पा गया उहदे नाल मुलाकात करनी होवे, उहदे लई तुहानू बहुत ही पावरफुल वजीफा दसन लगा जी। इंशाअल्लाह तुसीं करोगे तो तुहानू उस रात तुहाडा दीदार तुहानू होएगा अपने पीर का। उस रात किसी भी मजार ते जाके किसी होर पीर दा इंतजार करना चाहो, वह भी दीदार होएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे सलामी भैन भ्राओ, उस तो पहले तुहानू मैं दसदा कि तुसीं कहते हो बाबा जी सानू भी दसो इस्तगारा करन दा तरीका दसो, सानू भी याद दसो इस्तगारा की पढ़ करिए किस तरह करिए। तो मेरे दोस्तों तो मेरे सलामी भैन भ्राओ, सुबह की फजर की नमाज के दो सुनत पढ़ के, दो सुनत सुबह दिया पढ़ के तरीका तुम दस लगा जरा तुम इस्तगारा करना तस्वीर तुम्हें पता लग जाएगा, ताकि भी पावर आ जाएगी। सुबह की नमाज तो दो सुनत पढ़ के फजर दिया, वो दरम्यान 41 दफ़ा सूरत आलम नशरा पढ़नी। तुम सूरत आलम नशरा पढ़ोगे चंद महीने पढ़नी पेगी, तुम ताकि हत्था पैर जो ताकत आ जाएगी। तुम जो तस्वीर कहोगे तस्वीर ताकि घूमना शुरू हो जाएगी, जिस तरह तुम कहोगे इस तरह डाटा पूरा हो करेगा। तुम मैं अक्सर दसिया भी सूरत फातिहा है या सूरत मुजम्मल हैगी है, ठीक है। ये बहुत ही छेती बंदे जो नूर पावर नूर पैदा होंगे और पावर पैदा हो जाती है। जिस तरह तस्वीर तस्वीर तुम फड़ के हल्का जहाँ सिर्फ इशारा करोगे, मुँह में कुछ ना कुछ इस तरह कहोगे, इस तरह इशारा इस तरह करोगे, देखो तो तस्वीर यानी कि हलचल शुरू हो जाएगी। देखो ये जे बच्चों अगर तुम सुबह सुनता पढ़ के फजर दियाँ तो वो दरम्यान 40-41 दफा पढ़ोगे, देखो ए तस्वीर जिन्हें इन्हें चलते ही रहना, ठीक है। जो तुम ऐसा इशारा करोगे इन्हें उधर रुकना है। ये ही मैं इस्तगारा करना, तुम्हें पता है बस जिस तरह तुम हूँ अपना अपनी वालदा ना कराते हो बच्चों, बस इस तरह ना अपना अपनी वालदा ना कह दिया करो वाद मैसेज। मैं उस वक्त तुम्हें पता इस्तगारा तुम करके दस दिना, अपना अपनी मां का ना जरूर दस्या करो। और उस तो पहले दोस्तों मैं तुम दसदा इस वीडियो सबसक्राइब भी करो, लाइक करो, शेयर भी करो करो। फिर तुम कहते बाबा इस तुहाडी वीडियो इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें इंतजार नहीं करना पेगा, तुम जो इन लाइक तो शेयर और सबसक्राइब कर लो तो उस सब तुहाडे कोल वीडियो आ जाए करेगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरे भैन भरावों को मैं दस लगा अपने पीर की रूह नाल मुलाकात करन दा तरीका, किसी साबे मजार ते तुसीं जा के उन्हां नाल तुसीं उन्हां दी रूह दीदार करना चाहते हो, ज़ियारत करना चाहते हो रात को ख्वाब च जां उस वक्त, यह बहुत ही पावर वाला वजीफा जे तुसीं जाना करना है। दरबार से जाके उत्थे जाके दुआ करनी है साबे मजार के लिए, दुआ तो मैं तरीका दस देना, एक दफ़ा आला शरीफ पढ़ो, तीन दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लो, पढ़ के साबे मजार के जो भी ना है उन्होंने तुम बख्श दो, ठीक है। उस बाद दुआ करके उन्हें सज्जे पासे जाके बह जाना, सज्जे पास तुम बह के शुरू कर देनी है। सज्जे पासों उन्हें पैर वाली साइड से बहना, तुम पैर वाली साइड तो बह के 11 दफ़ा सूरत मुजम्मल पढ़नी, बह के पहले उरली साइड से पढ़नी है सज्जे पासे वाले पैर की तरफ, फिर उस तो बाद 11 दफ़ा पढ़ के सूरत मुजम्मल, फिर दूसरे पास पैर की तरफ चले जाना, 11 दफ़ा उत्थे बह के पढ़नी है। उस तो बाद 11 दफ़ा पढ़ने बाद फिर तुम उन्हें
ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 11 ਦਫ਼ਾ ਸੂਰਮ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 11 ਦਫ਼ਾ ਸੂਰਮ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ 44 ਦਫ਼ਾ ਸੂਰਮ ਨੰਬਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨੂਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਡਾ ਪਾਵਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਰਮ ਦਾ ਆਮਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 11 ਦਫ਼ਾ ਸੂਰਮ ਜੁਮਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ 44 ਦਫ਼ਾ ਦਰੂਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੋ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ।